हाय एवरीवन, वेलकम है आपका समद किचन में। आज हम लोग बना रहे हैं कढ़ी पकौड़ा। पकौड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 250 ग्राम बेसन, जिसका हम पकौड़े भी बनाएंगे और कढ़ी में भी डालेंगे। और यहाँ पे है 300 ग्राम दही, थोड़ा खट्टा दही लेते हैं। और ये है 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई, 1.5 चम्मच नमक, और ये है 1.5 चम्मच हल्दी। हल्दी इसमें ज़्यादा लगती है। और ये है 1 छोटी प्याज और 4-5 कलियां लहसुन के, जिनका हम पेस्ट बना के अपनी कढ़ी में डालेंगे। और यहाँ पे है कटा हुआ धनिया और 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज, जिनको हम पकौड़ों में और प्याज कढ़ी को बघारने में यूज़ करेंगे। उसके साथ ही यहाँ पे है बघारने के सामान में ज़ीरा है और राई है, छोटी वाली राई। और यहाँ पर हैं 2 मिर्चें लाल, हींग और 10-15 दाने मेथी के, और ये हैं कुछ करी पत्ते। और कढ़ी बनाने के लिए मैंने एक जार में पूरा दही डाल दिया है, और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं 2 बड़े चम्मच बेसन के। और इसमें सारे मसाले चले जाएंगे, नमक, हल्दी और 1 चम्मच मिर्च आधा बचा लिया है, और पूरी धनिया। और हम डाल देंगे इसमें, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको, बैटर को मैंने एक बड़े भगोने में पलट दिया है। पलटने के बाद इसमें 1 लीटर करीब पानी डाल दिया है। हमारा बैटर तैयार है कढ़ी का। अब हम इसको चलते हैं पकाने की तरफ। गैस को ऑन करके मैंने इसको हाई फ्लेम पे रख दिया है। जब इसको बराबर चलाते रहना है जब तक इसमें उबाल ना आए। उबाल आना शुरू हो गया है, देखिए कढ़ी ऊपर की तरफ आ रही है बह के। अब हम इसकी आंच धीमी कर सकते हैं। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चिलीज, इससे अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अब उबाल आने के बाद हम गैस को धीमा करने के बाद इसको 10 से 15 मिनट तक धीमी आंच पे पकाएंगे और इसको छोड़ देंगे। पकौड़े बनाने के लिए 3 बड़े चम्मच मैंने बेसन लिया है, और उसमें मिला दिया है नमक बचा हुआ 1/2 चम्मच, और 1/2 चम्मच इसमें मिर्च पाउडर मिला दें। थोड़ा थोड़ा पानी मिला के हम फेंट लेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह फेंटेंगे। चेक करने के लिए हमारा बेसन हुआ है कि नहीं, 1 कटोरी में मैंने पानी लिया है और इसमें 1 ड्रॉप बेसन डालेंगे। बेसन अगर तैर कर ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब आपका बेसन बहुत अच्छी तरह फिट गया है। अब हम इसमें मिला देंगे प्याज और धनिया। इधर मैं पकौड़े तल रही हूँ, तेल को ऑलरेडी गर्म कर लिया था और इसमें सारे पकौड़े डाल दिए हैं। और एक तरफ से सिकने के बाद इनको पलट के भी दूसरी तरफ से भी तल लेंगे। और पकौड़ों को हम डायरेक्ट ऐसी कढ़ी में नहीं डालेंगे, इसको सुपर सॉफ्ट बनाने के लिए मैं इसको डालूंगी पहले 1 बड़े बॉल में। एक नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेके उसमें डिप कर दीजिए, और डिप करते ही इसको निकाल लीजिए, और बस ये एकदम सुपर सॉफ्ट हमारे पकौड़े रेडी हैं। अब हम इसको कढ़ी में डाल देंगे और इसके साथ भी 5 मिनट तक धीमी आंच पे पकाएंगे। अब मैं लगाती हूँ इसमें छौंक, उसके लिए मैंने लिया है 3 चम्मच घी, और उसमें डाल दिया मेथी के दाने। मेथी के दाने जब थोड़े से तल जाएंगे फिर उसमें हम डाल देंगे ज़ीरा और राई, काली वाली राई है ये। और उसके साथ हम यहाँ पर डाल देंगे प्याज। प्याज जब थोड़ी गुलाबी हो जाएगी तब हम डाल देंगे इसमें करी पत्ते। करी पत्ते से बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा टेस्ट देता है। और प्याज के ब्राउन होने पर लाल मिर्च भी डाल दिए। लाल मिर्च बहुत पहले ना डालें, नहीं तो ये जल जाते हैं। और बस ये हमारा बघार तैयार है, उसमें कढ़ी के ऊपर डाल दिया। और ये मैंने चावल के साथ सर्व किया है। अब बारी है खाने की, आप इंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।